हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 28 नवंबर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। आज यस बैंक में 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने के लिए मिली है, क्योंकि आज यस बैंक की नवंबर ऑप्शन चेन की एक्सपायरी थी, जिसके कारण तेज़ी होना लाजमी था। अब किन लेवल्स का हमको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि यस बैंक जब एक रेंज में काम कर रहा था, वहां पर गिरावट के लिए जगह नहीं है, सिर्फ तेजी ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमें तेजी ही देखने के लिए मिली है जब से हमने इस रेंज को तोड़ा है। अब चूंकि यहां आप देख सकते हैं कि देखिए, यहां पर एक हाई है और दूसरा हाई यहां पर है। तो देखिए, ये क्या मैंने ड्रॉ किया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, एक ट्रेंड लाइन है जो हमको एक रेजिस्टेंस के बारे में बताती है। चूंकि अभी जो हमारी कैंडल बनी है उसने देखिएगा इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है, यानी कि अभी हमको यहां पे एक रेजिस्टेंस देखने के लिए बेशक मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि हमारी कैंडल अगर इसके ऊपर जाकर क्लोज होती है कल की तारीख में, तो डेफिनेटली जो लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा वो देखिएगा अगला लेवल होगा 75.45 के लगभग। वहीं देखिए, अगर हम इसके ऊपर जाकर भी क्लोज होते हैं तो देखिए हमको जो अगला लेवल देखने के लिए मिलेगा वो होगा 81.45 के लगभग। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर हम इसके ऊपर जाकर क्लोज होते हैं यानी कि 75.45 के ऊपर, तो बीच में सेलिंग नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी जो इसको 81.45 के लगभग लेकर जाएगी। अब इसके ऊपर निकलने की देर होगी, यानी कि 81.45 के ऊपर यहां पर भगदड़ मचेगी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आप जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं या टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनकी जब भी आप सुनेंगे कि वो किस तरीके के लेवल्स दे रहे हैं, वो अधिकांश बोल रहे हैं कि 81 के ऊपर क्लोज होने के बाद खरीदिएगा, यानी कि वो लोगों को खरीदने के लिए बोल रहे हैं 81 के ऊपर, जहां पर ये डेफिनेटली जाएगा और यहां से जो आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी वो बहुत ही खतरनाक होगी, यानी कि इसको बहुत तेजी से ऊपर लेके जाया जाएगा बुल्स के द्वारा। तो अगर आप पूरी पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं और आपने नीचे कहीं खरीदा था, तो देखिए आप बने रहिए, क्योंकि इसमें जो तेजी आने वाली है वो अभी तक जो तेजी आपने देखी है वो कुछ भी नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज का अभी अंबार लगने वाला है, इसलिए आप हर चीज को समझते हुए अभी आपको होल्ड करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपने खरीद लिया है तो देखिए बहुत ही सही है, क्योंकि आपका जो ये निवेश है ये आप मान के चलिएगा कुछ दिनों में आपको जस्ट डबल होता हुआ नजर आएगा। वहीं हम बात करते हैं, देखिए आज एनएससी पर कैसा कारोबार हुआ है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी 68.25। तो देखिए यहां पर आज हमारी प्रीवियस क्लोजिंग से आप देखेंगे हमारी एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली है जो कि 69 के लगभग है, यानी कि तकरीबन 75 पैसे जाकर ऊपर हमने सुबह शुरुआत करी, जो काफी मजबूत शुरुआत आपको देखने के लिए मिली होगी। यानी कि हमारी जो डिलीवरी हुई थी कल की तारीख में वो बहुत ही ज्यादा थी, इतनी अच्छी डिलीवरी थी आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से इसमें खरीदारी कर रहे हैं। हाई हमने बनाया 70.65 का, यानी कि 1.65 रुपए ऊपर जाकर हमारा एक हाई बनता है। वहीं देखिए हमारा लो जो देखने के लिए मिला है 68.35 का, वो देखिए अपनी ओपनिंग से तकरीबन 65 पैसे नीचे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो लो है वो प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है, यानी कि हमने पिछली तारीख की भी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसको नहीं तोड़ा, यानी कि जिन लोगों ने यहां पर डिलीवरी करी है उन्होंने भी देखिएगा प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके इसमें बैठे हैं। अब क्लोजिंग की बात करते हैं जो कि 70.05 के लगभग है, यानी कि देखिए एक रेजिस्टेंस जो हमारा बना हुआ था काफी दिनों से, जो 70 पर आपको 2 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता था, वहां देखिएगा किस तरीके से कॉल राइटर्स ने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी है, वो सब चीजें हमारे सामने ही हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन ओपनिंग से 1.05 रुपए आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही देखिएगा 8,57,000 से ज्यादा क्वांटिटी अभी बाइंग लग चुकी है, तो आप खुद समझ सकते हैं लोग इसमें सिर्फ खरीदारी करना चाहते हैं, बेचना कोई नहीं चाहता। अब आप देख सकते हैं यहां पर 3 बजे के डाटा के अनुसार तकरीबन 19,16,00,000 से ज्यादा की क्वांटिटी जो है उनका ट्रेड हुआ है, और जो क्वांटिटी डिलीवर हुई है आज की तारीख में वो देखिएगा 3 बजे के डाटा के अनुसार वो देखिएगा 3,84,00,000 से ज्यादा है। यानी कि आपको ये डिलीवरी क्वांटिटी ज्यादा ही देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि लास्ट के आधा घंटे में ज्यादा डिलीवरी होती है, इस चीज को आप समझ लीजिए। वहीं देखिए ओवरऑल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 3 बजे तक, उनकी परसेंटेज को आप देखेंगे तो आपको डिलीवरी क्वांटिटी की जो परसेंटेज देखने के लिए मिलेगी वो 20.08% के लगभग देखने के लिए मिलेगी। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो भी बढ़ा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी घटा है, तो डेफिनेटली शॉर्ट्स कवर हुए हैं, जो काफी अच्छी बात है। अब यहां पर आप देखिएगा
ऑप्शन चैन पर, जो कि दिसंबर की ऑप्शन चैन है जो मैंने आपके सामने लगा ली है। यहां देखिए एट द मनी, देखिए हम 70 और 75 के बीच में है, तो यहां पर हम कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं बीच में, जहां आप देख सकते हैं कि देखिए हमारे जो कॉल बायर्स हैं वो किस तरीके से हावी हैं। देखिए वो पूरी तरीके से कॉल खरीद रहे हैं यस बैंक में। साथ ही देखिए यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 70 की स्ट्राइक पर देखिए 19,40,000 से ज्यादा की कॉल राइटिंग है। वहीं देखिएगा 70 की स्ट्राइक को अगर आप देखेंगे तो 19,36,000 के लगभग यहां पर आपको पुट राइटिंग देखने के लिए मिलेगी, जहां पर 48 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। साथ ही देखिएगा 70 की स्ट्राइक पर तकरीबन 74 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट अभी क्रिएट है, तो डेफिनेटली 70 पर अभी कॉल राइटर्स हावी हैं। लेकिन आपको सेंटिमेंट्स को समझना है, इस डाटा में फंसना नहीं है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 45 और 40 की स्ट्राइक पर आपको जो ये प्रीमियम जो है ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है, इसका कारण क्या है। देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कैश मार्केट में लॉन्ग करके बैठे होते हैं, यानी कि देखिए वो एक तरीके से अपनी लॉन्ग पोजिशन उन्होंने बनाई है, यानी कि उनकी जो पोजिशन है वो एक बुल की तरह बनाए हुए बैठे हैं, यानी कि उनको भी लगता है कि यस बैंक ऊपर ही जाएगा। और जो प्रीमियम आपको ग्रीन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, देखिए इसका कारण है कि ये लोग हेज कर रहे हैं। अब ये हेज यहां पर ही क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक्चुअल में यहां का अगर आप देखेंगे प्रीमियम काफी कम है, यानी कि उनका जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर जो लोग हैं वो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है, यानी कि शॉर्ट करने वाले लोगों की संख्या अब ना के बराबर है यस बैंक में, इस चीज को आप समझ लीजिए। और यहां पर ये जो प्रीमियम आपको ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके दिमाग में जरूर एक सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों है। देखिए कारण है वो लोग बाय कर कहीं ना कहीं अपना हेजिंग करते हैं, और हेजिंग करने का कारण यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कैश मार्केट में खरीदारी कर रखी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन चीजों को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। वहीं पर आप देख सकते हैं कि 70 पर जो है अभी भी देखिए कॉल राइटर्स जो है वो थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट ज्यादा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होती हुई जल्द नजर आएगी। चूंकि आप बाकी सेंटिमेंट्स को भी अगर देखेंगे तो देखिए 65 की स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं तकरीबन 14 लाख से ज्यादा की पुट राइटिंग हो रखी है, जहां पर 41 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। अब 65 की स्ट्राइक को अगर आप देखेंगे तो आज ही की तारीख में देखिएगा दिसंबर की ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं प्रीमियम बड़ा है, और यहां पर देखिएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 1,78,000 के लगभग हमको जो है कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली शॉर्ट कवरिंग है, यानी कि कॉल राइटर्स ने अपना लॉस बुक किया है 65 की स्ट्राइक पर। कहने का मतलब यह है कि देखिए 65 जो है वो पूरे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इस चीज को आप समझ के चलिए। रही बात 70 पर, तो 70 पर अभी भी देखिएगा जोर अजमाइश कर रहे हैं कॉल राइटर्स, लेकिन यहां पर जिस तरीके का इनका ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है मुझे लगता है ये बिल्कुल भी इनको यहां पर टिका नहीं सकता। यहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग ही देखने के लिए मिलेगी कॉल राइटर्स की, क्योंकि देखिएगा जिस तरीके से यहां पर ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है वो देखिएगा तब हमको बारीकी से आप समझिएगा कि ब्रेकआउट कब मिलेगा और किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस टूटेगा। जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई है उसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर उसके ऊपर जाकर हमारी जो है इंट्राडे में नहीं, अगर आप वन डे की कैंडल देखेंगे उसके ऊपर जाकर देखिएगा क्लोज होती है, या ऐसा लगता है कि तेजी इतनी है कि वो उसके ऊपर जाकर क्लोज होगी, तो आप डेफिनेटली चीज को समझिएगा ये जो शॉर्ट कवरिंग है आपको हाथों हाथ हो सकता है कल की तारीख में ही देखने के लिए मिल जाए। तो इन चीजों को आप बेशक सही तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहां पर चार्ट जो है वो काफी बड़ी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जाकर कल की तारीख में अगर हम क्लोज होते हैं तो डेफिनेटली यहां पर एक बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी 70 के स्ट्राइक पर, जो हमको और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाएगी। और एक जो ब्रेकआउट है वो 75.45 के ऊपर ही हमको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर डायरेक्टली हम 81 के ऊपर जाकर क्लोज हो सकते हैं, और वहां पर अगर हम क्लोज होंगे तो आप मानिएगा वहां पर बहुत ज्यादा खरीदारी होगी, क्योंकि जो बचे कुछ बायर्स हैं वो वहां पर खरीदेंगे और वो बहुत अच्छी क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो पूरे तरीके से बुलिश है। अब चूंकि चलते हैं और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपको यस बैंक को थोड़े ज्यादा समय के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इसमें जिस तरीके की भी सेंटिमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से इशारा कर रहे हैं एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ। और आप मान के चलिए यहां पर जो टारगेट्स हैं वो 110 और 120 नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज को याद रखना है कि यस बैंक किसी एक वक्त में 400 के लगभग था। तो देखिए कोई भी स्टॉक कुछ एक दिनों में टूट जाता है और कुछ ही समय में रिकवर भी कर सकता है
इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि ये सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है। देखिए अब डिमांड जिस तरीके से यस बैंक को लेकर बढ़ी है, वो सारी चीजें किसी से छुपी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो वहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड का ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।